एक तो यहाँ पे लाइट कितनी जाती है? मैं कर दूँ? It's okay. Thank you. एक बात पूछूं, आपने मुझे वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए इसलिए भेज दिया था ना, ताकि आप अकेले में रो सके? जवाब दीजिए रेहान, खुद तो आप इतने सवाल पूछते हैं, मैंने एक सवाल पूछ लिया, उसका जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं आप? कुछ सवालों के जवाब तो जिंदगी के पास भी नहीं होते, अगर ऐसे सवाल नहीं किए जाए तो अच्छा होगा। सीधे सीधे जवाब देंगे मेरे सीधे से सवाल का? कुछ नहीं, दुखी था इसलिए रो लिया। खुश? ये हुई ना बात, अपना ज्यादा हीरो मत बनो, मुझे करने दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं कर देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आपको क्या चाहिए अपने ड्रीम हाउस में? उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज मुझे न सता। हंटर? कैसा हंटर है? वो हंटर जो किसी बच्चे पर ना पड़े, क्योंकि बहुत दर्द होता, जख्म भी बहुत गहरे होते, पर वो जख्म जाते नहीं, पर वो हंटर की आवाज सारी जिंदगी सताती रहती है। दुआ करता हूं कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इस तरह यू हंटर से ना मारे। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आहिल? इसका मतलब क्या बचपन में आहिल के अब्बू इन्हें हंटर से मारा करते थे? तो वो खून किसका था जिसे आहिल ने ख्वाब में देखा था? आहिल का? मुझे पता करना ही पड़ेगा। हया, सब तैयारी हो गई? आप, मैं कुछ मदद करूं? कोई बात नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अच्छा, that's good. Well, I'm sorry. वो क्या है कि सब इतना जल्दी में डिसाइड हुआ और मैं रिहर्सल्स में थोड़ा बिजी था, इसलिए घर भी नहीं आ पाया। So I'm really sorry. नहीं नहीं, मैंने सब तैयारी कर दी है, आप चिंता मत कीजिए। ऑफ कोर्स, अब तुम कह रही हो तो सब कुछ ठीक ही होगा, आई एम श्योर। ठीक है, मैं शार लेके आता हूं। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए नहीं लेके आई। मैं बिल्लो रानी की गुलामी से परेशान आ चुकी हूँ, इसीलिए लेकर आई, और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपना मुंह खोलो ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अरे किस चमड़ी की बनी हुई हो? तनवीर को अपने सामने देखकर भी अरे जुबान में जान नहीं आई। कि तुम्हारे बिगड़े हुए पुर्जों की मरम्मत कहां ले जाकर करती? अब रुको यहां पर, आ रही हूं, सुन रही हो?
मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मेरे जाते ही ये यहाँ आंख में टोली खेलना शुरू कर देगी। कबख्त ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें छोड़कर कहीं जा जो नहीं सकती हो। तुमने एक नया पर्सपेक्टिव डाला है। मैंने कभी भी इस नजर से सोचा भी नहीं। मेरा तो मन करता है कि हम सब लोग एक साथ रहें। बड़ी अम्मी भी यहाँ आ जाए। आप मेरी बड़ी अम्मी को नहीं जानते। वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही नेक दिल। किसी से भी मिलती है ना, एकदम से घुल मिल जाती है, जैसे बरसों से जानती हूँ। और मैं तो शर्त लगा के कह सकती हूँ, उनके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, खास तौर पे दाल मखनी। जब मेरी बड़ी अम्मी यहाँ आ गई ना, तो आपकी अम्मी को बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी, क्योंकि तब वो दोनों मिलके वो बातें करेंगी ना, हमारे जमाने में वो ऐसा होता था। ये हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये कौन सी बात। ये क्या है? ये वही है, यही तो तैयार किया था मैंने। मतलब ये क्यों? पुपी नहीं तो कहा था ये तैयार करने के लिए। आज कुछ लोग खैरात के लिए आ रहे, तो पुराने कपड़े और खिलौने लाकर रख देना। ये क्या है पुपी? आपने हया को पुराने कपड़े रखकर जमा करने क्यों कहा? अरे कीड़े पड़े ऐसी सोच पे। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? पूछ इससे, क्या कहा था मैंने, पूछ। हया पुपी ने क्या कहा था तुमसे? यही कि मैं पुराने कपड़े इकट्ठे करके रख लूं, क्योंकि खैरात लेने लोग आ रहे हैं। हाय अल्लाह, तो तुम्हें खैरात लेने वाले समझ रही हो? फैज, ये क्या मजाक है? माना कि तुम्हारी वाइफ गूंगी और बहरी है, लेकिन वो अंधी तो नहीं है ना? अरे उसे मैं क्या ये खैरात में कपड़े मांगने वाला दिख रहा हूँ? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। मेरा बहुत इंसल्ट हुआ है। या अल्लाह, ये क्या किया तुमने? इतनी मुश्किल से उन लोगों पर थाक जमाने का मौका मिला था, और तुम्हारी वजह से वो भी हाथ से निकल गया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।